नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपनी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ना हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया अध्याय टीजीएमएस एग्जाम के लिए। ये जो अध्याय है ये वर्तमान में की का काम करेगा दोस्तों, आप ध्यान से समझ लो। और इसका नाम है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल CEA 2010। देखो, मैं अक्सर बताता हूं कि एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। जब से यूट्यूब आया है, ऑनलाइन क्लासेस आया है, पढ़ने पढ़ाने का जो कार्यक्रम है ना, बहुत इजी हो गया है। तो अब जो है दायरा बढ़ेगा, बस समझे कि नहीं। और ECL के एग्जाम से हर कोई सबक ले चुका है कि अब मुट्ठी बंद करके तैयारी करने से गुजारा नहीं है, आपको दोनों हाथ खोल के तैयारी करना होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में एक हम लोग का चैप्टर आता है, एक बुक आता है CEA 2010 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। और मैं बता दूं कि ओवरमैन मानिंग सरदार तक तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन ओवरमैन सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, चाहे मेटल हो चाहे कोल, बात समझ रहे हो, उसमें ये अब की का काम करेगा। अपमान के चलो कि चार पांच क्वेश्चन तो दागेगा ही दागेगा, ठीक है। बाकी आप लोग सभी समझदार आदमी है भाई, मैक्सिमम आज के देश में अगर कोल इंडिया की बात करो तो सबसे ज्यादा संख्या डिप्लोमा होल्डर की है, मेडल में भी वही सेम कंडीशन है। ठीक है, आप लोग एक ऊपर देना है, एल निकल गया, सेकंड क्लास मैनेजर हो गए भाई। और अगर रिस्ट्रिक्टेड लेना है तो वेंटिलेशन को हटा दो, दो पेपर देके फर्स्ट क्लास मैनेजर बन गए। ठीक है, चलिए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, आप लोग आगे बढ़िए, पुश कीजिए। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का पहला टॉपिक जो आता है कि भैया लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज पहला स्टार्ट करता हूं मैं लो वोल्टेज। भैया एक चीज बताओ कि लो वोल्टेज में वोल्टेज कितना होता है, लो वोल्टेज किसको बोलेंगे भैया लो वोल्टेज। तो जान लो कि 250 वोल्टेज तक, 250 वोल्टेज तक को हम लोग क्या बोलेंगे, लो वोल्टेज। ठीक है, अब अगर बात करें कि भैया मीडियम वोल्टेज किसको बोलते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मीडियम वोल्टेज किसको, कहां से कहां तक होगा मीडियम वोल्टेज। तो भैया 250 वोल्टेज से ऊपर और 650 वोल्ट तक मीडियम वोल्टेज, 650 वोल्ट से ऊपर और 250 वोल्ट से ऊपर और 650 वोल्ट तक, यानी मीडियम वोल्टेज हो गया आपका 250 से ऊपर लेकिन 650 वोल्टेज तक। अब बात करते हैं हम लोग हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज कौन सा होगा भैया, तो हाई वोल्टेज होगा 650 वोल्ट से ऊपर और 33,000 वोल्ट तक, हाई वोल्टेज 650 वोल्ट से ऊपर और 33,000 वोल्ट तक। ठीक, अब इसमें एक टर्म आता है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको बोलेंगे, 33,000 से ऊपर के वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, तो क्या था इसमें, लो वोल्टेज 250 तक, मीडियम वोल्टेज 250 वोल्टेज से ऊपर लेके 650 वोल्टेज तक, उसके बाद हाई वोल्टेज क्या था, 650 वोल्ट से ऊपर लेके 33,000 वोल्ट तक, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या था, 33,000 वोल्ट से ऊपर। क्लियर, चलिए पहला टर्म आपका इलेक्ट्रिसिटी रूल का खत्म। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे टर्म, दूसरे टर्म में चार क्वेश्चन है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बड़ा बेसिक सा चीज है लेकिन अच्छे अच्छे आदमी इसमें ना कंफ्यूज कर जाएंगे। क्या बोलता है देखिए, एक क्वेश्चन दागेगा आपको कि 1000 वोल्टेज को क्या लिखा जाता है, क्या क्वेश्चन, कि 1000 वोल्टेज को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, केवी, केवी का मतलब क्या हो गया, 1000 वोल्टेज।
अगर यही सवाल में ये लिखा रहे कि 1100 वोल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1100 वोल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे या क्या लिखा जाता है, तो लिखा जाएगा 1.1 kV। अब अगर हम लोग ये बात करें कि 3300 वोल्ट को हम लोग क्या लिखेंगे या क्या लिखा जाता है, 3300 वोल्ट को क्या लिखा जाता है, 3.3 kV। इसी तरह क्वेश्चन अगर ये डाक दे कि 6600 वोल्ट को क्या लिखा जाता है या क्या कहते हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे, 6.6 kV। और अगर क्वेश्चन ये डाक दे कि 33,000 वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 33,000 वोल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, 33 kV। ये चारों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से लाल कलम से टिक लगा के नोट करके लिखो, ठीक है। 1000 वोल्टेज को क्या लिखेंगे, केवी। 1100 वोल्टेज को क्या लिखेंगे, 1.1 kV। 3300 वोल्ट को क्या लिखेंगे, 3.3 kV। 6600 वोल्ट को क्या लिखेंगे, 6.6 kV। और 33,000 वोल्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, 33 kV। क्लियर, चलिए ये दूसरा टर्म भी आपका खत्म। अब बात करते हैं हम लोग कि रेगुलेशन में 102 के अनुसार क्या है, रेगुलेशन 102 के अनुसार यूजी माइंस, ओपन कास्ट माइंस और माइन सरफेस में माइन बाउंड्री के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो और समझो। मैं बता दूं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल देखोगे ना, जो नया वाला आया लाल किताब, बड़ा पतला सा है भैया, लेकिन जब मैं उससे क्वेश्चन बनाने लगा हूं ना, तभी मैं आधा बनाया हूं और मैं आपको बता दूं कि लगभग 143 क्वेश्चन बना चुका हूं, और मेरा अंदाजा है कि ये टोटल किताब खत्म करते करते ना या 300 क्वेश्चन जाएगा। इसलिए एक एक टर्म से क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग से सोचो, समझो, नोट करो दोस्तों, ठीक है। चलो क्या बोलता है इसमें कि रेगुलेशन 102 के अनुसार यूजी माइंस, ओपन कास्ट माइंस, माइन सरफेस में माइन बाउंड्री के अंदर, ये टर्म है। अब इससे क्वेश्चन क्या निकल के आएगा कि कितनी बिजली ले जाई जा सकती है, क्या है कि रेगुलेशन 102 के अनुसार यूजी माइंस, ओपन कास्ट माइंस, माइन सरफेस में माइन बाउंड्री के अंदर कितनी बिजली ले जाई जा सकती है, कितनी लेके जाई जा सकती है, 11 kV। तो रेगुलेशन 102 के अनुसार यूजी माइंस, ओपन कास्ट माइंस और माइन सरफेस में माइन बाउंड्रीज के अंदर कितनी बिजली ले जाई जा सकती है, कितनी बिजली ले जाई सकती है, 11 kV। और इसी में अगर क्वेश्चन ये डाल दिया जाए कि रेगुलेशन 102 के अनुसार यूजी माइन, माइन ओपन कास्ट माइंस, माइन सरफेस में माइन बाउंड्रीज के अंदर कितना पावर इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा, कितना, 6.6 kV, ठीक है। तो कितना बिजली माइंस के अंदर आएगा, 11 kV, लेकिन यूज कितना होगा भैया, 6.6 kV। क्लियर, चल अब बात करते हैं, क्या है कि हैंड हेल्ड ऑपरेटर्स जैसे कोल्ड ड्रिंक में मैक्सिमम कितना वोल्ट होता है, कितना वोल्ट होता है भैया, ये जनरल क्वेश्चन है, 125 वोल्ट, ठीक है। हैंड हेल्ड ऑपरेटर्स अंडरग्राउंड माइंस में जिसमें कोल्ड ड्रिल चलता है या कोल्ड ड्रिल में कितना वोल्टेज होता है, कितना होता है, 125 वोल्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिसिटी रूल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो कि लाइटिंग इन यूजी, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, लाइटिंग इन यूजी माइंस फेज टू फेज कितना रहता है, लाइटिंग इन यूजी फेज टू फेज कितना वोल्टेज रहता है, कितना रहेगा, 125 वोल्ट। और लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस फेज टू फेज कितना वोल्टेज रहता है भैया, 250 वोल्ट, कितना रहेगा, 250 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन में कि यूजी में पोर्टेबल हैंड लैंप, क्या है, पोर्टेबल हैंड लैंप, दूसरा क्या है, रिमोट कंट्रोल, और तीसरा क्या है, इंटरलॉकिंग सर्किट। तीन चीज क्वेश्चन, तीन चीज से बना है, क्या है, हैंड हेल्ड लैंप, रिमोट कंट्रोल और इंटरलॉकिंग सर्किट।
में कितना वोल्टेज रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना रहता है वोल्टेज? 30 वोल्ट। कितना रहता है? 30 वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेंट्रल सब स्टेशन तक ओवर हेड लाइन द्वारा कितना केवी पावर लाया जाता है? क्या है? सेंट्रल सब स्टेशन तक ओवर हेड लाइन द्वारा कितना केवी पावर लाया जाता है या लाई जाती है? कितना केवी? 132 केवी। कितना? सेंट्रल सब स्टेशन में ओवर हेड लाइन द्वारा कितना केवी लाया जाता है पावर भैया? 132 केवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोलता है कि सेंट्रल सब स्टेशन तक लाई गई 132 केवी पावर को ट्रांसफार्मर से घटाकर माइन की सब स्टेशन तक कितनी पावर भेजी जाती है? कितनी पावर भेजी जाएगी भैया? 33 केवी और 11 केवी। 33 केवी और 11 केवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें एक बात आता है, एक टर्म आता है कि ये भैया जो हम 33 केवी और 11 केवी भेजेंगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा, क्यों भेजेंगे हम इतना ही? तो भैया ये जो डिपेंड करेगा वो भी चेक करेगा कि माइन डिस्टेंस और साइज ऑफ माइन, कि कितना बड़ा मेरा माइंस है और सब स्टेशन से माइंस की दूरी कितनी है, उस पे ये बात डिपेंड करेगा कि 33 केवी भेजना है या 11 केवी भेजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले जो है ना, मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूं कि डीजीएमएस का जो एग्जाम है सर पे दिसंबर के महीने में माइनिंग सरदार है, ओवरमैन है, सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है भाई, मेटल वाले के लिए मैट का है, फोरमैन का है, उसका भी सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास का है। तो एक बात जान लो आप, मैं आपको बताता हूं कि डीजीएमएस के एग्जाम में बैठने के लिए आपको 10 किताब की आवश्यकता होती है। ठीक है, और 7 किताब की आवश्यकता ओवरमैन और फोरमैन तक है, और 7 में से 3 जो अलग है वो क्या? सर्कुलर, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल और क्रैंच रूल, कभी कभी ब्रिटिश रूल को भी मान लो। लेकिन इसको छोड़ के बाकी 6 किताब से क्वेश्चन मानिंग सरदार हो, ओवरमैन हो, मेट हो, फोरमैन हो, डाकेगा डाकेगा। ठीक है, तो जैसा कि इससे आगे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक आप लोग के लिए, भाई जो भी नौकरी कर रहा है ना उसके लिए पढ़ने का समय बहुत कम है, तो उसको मद्देनजर देखते मैंने एक नोट्स तैयार किया, उस नोट्स का मैंने नाम लिखा है डीजीएमएस एग्जाम ट्रैकर। अब उसमें है क्या ये मैं आपको बता देता हूं। कोल वाले के लिए जो स्टाइल से मैं सीएमआर पढ़ाया, 7 डेज का एक जगह, 30 डेज का एक जगह, सीआई का एक जगह, आरआई का एक जगह, ठीक है, उसके बाद लास्ट में उसमें डाटा बेस्ड एनालिसिस यानी रेगुलेशन से डाटा बेस्ड पे कितना क्वेश्चन है आप इमेजिंग नहीं कर सकोगे, 386 क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। ठीक है, तो लास्ट में रेगुलेशन का डाटाबेस क्वेश्चन है, उसके बाद उसमें क्या है ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का 234 क्वेश्चन और सॉलिड ब्लास्टिंग का 127 क्वेश्चन एलसीकाकू के प्रैक्टिकल ब्लास्टिंग बुक्स। उसके बाद उसमें है रूल का 215 क्वेश्चन और एक्ट का 234 क्वेश्चन उसके बाद है उसमें रेस्क्यू रूल का 78 क्वेश्चन और आपका वीटीसी रोल का 122-23 क्वेश्चन। ठीक है, और सबसे लास्ट में उसमें दिया हुआ है कि ओवरमैन हैंडबुक का जो पन्ना, जो टॉपिक रेगुलेशन से अछूते है, उसमें जैसे स्टोइंग है, फर्स्ट एड है, इस तरह का जो फेंसिंग है, इस तरह का जो चैप्टर है ना, उसका एक जत्था। तो कुल मिला के आप देख लो, समझ लो, ये पूरा एक डाइजेस्ट मैंने बनाया है माइनिंग मैट, फोरमैन, ठीक है, इन सबों को मद्देनजर रखते हुए। ये मैं बता दूं कि अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी रूल जुड़ गया और सर्कुलर जुड़ जाए तो ये सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के लिए भी बेजोड़ मसाला है। ठीक है, आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर देख लीजिए, 8540874274, इस पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है,
अगर आपको लेना है तो इसका सैंपल मंगाइए और आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है इसमें कि बड़ी यूजी माइंस में मेन फैन, वाइंडिंग इंजन और पीट बॉटम में लगे सम्प कितने पावर पर चलाए जाते हैं। क्या है क्वेश्चन कि बड़ी यूजी माइंस में मेन फैन, वाइंडिंग इंजन, पीट बॉटम में लगे सम्प कितने पावर पे चलाए जाते हैं। कितने पावर पे? 3.3 केवी पे भैया। किस पे? 3.3 केवी पे। अब यही बात करें कि बड़ी यूजी माइंस में बाकी मशीनें कितने वोल्टेज पे चलती है, तो भैया 550 वोल्ट पे, और ड्रिल मशीन कितने पे चलेगी भैया, तो 125 वोल्ट पे। यानी बड़ी यूजी माइंस में, ठीक है, फेल माइंडिंग इंजन, पीट बॉटम में लगा शम्प कितने पे चलेगा, 3.3 केवी पे, बाकी मशीन 550 वोल्ट पे और ड्रिल मशीन 125 वोल्ट पे। ठीक है, चल आगे बढ़ते। अब बात करते हैं कि छोटी यूजी माइंस में मेन फैन, वाइंडिंग इंजन, पीट बॉटम में लगे जो सम्प है वो कितने पावर पे चलते हैं भैया। तो छोटी यूजी माइंस में चलेगा 550 पे। कितने पे चलेगा? 550 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि लॉन्ग वॉल फेस की मशीनरी और कॉन्टिन्यूस माइनर कितना पावर पे चलाया जाता है या चलता है। लॉन्ग वॉल फेस में कि मशीन जो है और कंटिन्यूस माइनर कितने पावर पे चलेगा, 1.1 केवी पे चलेगा भैया। कितने पे? 1.1 केवी पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि बड़ी ओपन कास्ट माइंस में ट्रंक लाइन, सोबेल और ड्रिल, बड़ा ओपन कास्ट माइंस है उसमें क्या चल रहा है, ड्रग लाइन, सोबेल और ड्रिल कितने वोल्ट पे चलता है, 6.6 केवी से लेके 3.3 केवी। ठीक है, और बड़ी ओपन कास्ट माइंस में प्रायः, नहीं सॉरी दूसरा, बड़ी ओपन कास्ट माइंस में पंप कितने पावर पे चलता है भैया। बड़ी ओपन कास्ट माइंस में पंप चलेगा 550 to 440 वोल्ट पे। कितना पे? 550 वोल्ट टू 440 वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि ओपन कास्ट माइंस में प्रायः कितने सब स्टेशन होते हैं। ओपन कास्ट माइंस में प्रायः कितने सब स्टेशन होंगे? दो, ओबी सब स्टेशन और कोल सब स्टेशन, ओबी सब स्टेशन और कोल सब स्टेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ डिफिनेशन पे चर्चा कर ले, घुमा के आपसे डिफिनेशन पूछ सकता है। सब्जेक्ट दे दिया, बोलेगा भैया क्या चीज है या किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं एपरेटस की। एपरेटस किसको बोलते हैं भैया? तो बिजली से चलने वाली मशीन, फिटिंग, कंट्रोल के साधन और संयंत्र सभी आ जाते हैं जिसमें बिजली कंडक्टर या तार आदि का यूज होता है। क्या है परिभाषा इसका? कि बिजली से चलने वाली मशीन, फिटिंग, कंट्रोल के साधन और संयंत्र सभी आ जाते हैं जिसमें बिजली कंडक्टर, तार आदि का यूज होता है। क्या कहलाता है? एपरेटस कहलाता है भैया। क्या कहलाएगा? एपरेटस। दूसरा आता है फिक्स एपरेटस, किसको बोलते हैं भैया? फिक्स एपरेटस किसको बोलते हैं कि जो ऑपरेटर एक जगह पर अस्थाई रूप से काम करते हैं। जो ऑपरेटर एक जगह पर अस्थाई रूप से काम करते हैं उसको क्या बोलेंगे? फिक्स ऑपरेटर। अगला डिफिनेशन है पोर्टेबल ऑपरेटर्स का। पोर्टेबल ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं कि जो बिजली ऑपरेटर्स ऑपरेशन में रहते हुए, जो बिजली ऑपरेटर ऑपरेशन में रहते हुए चल सकते हैं, जैसे सीसीएम, एसडीएल, एलएचडी और इलेक्ट्रिक सॉबल। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसको? ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स। ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं भैया? जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स काम तो स्थिर रहकर करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर काम तो स्थिर रहकर करते हैं परंतु जरूरत पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है। क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर, जैसे एक्जुलरी फैन। ठीक है भैया, तो आज का अपना इंडियन इलेक्ट्रिक सूट का पार्ट 1 यहां पर खत्म।
दोस्तों आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ इसी तरह दोस्त बनते रहिए, मेरी हिम्मत को बढ़ाइए, मेरे हौसले को बढ़ाइए। भैया हो सके तो इस मेहनत पे थोड़ा एक आध कमेंट्स मार दिया करें। और दूसरा चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि जिस तरह सीएमआर को मैंने सजाया ना, अगर आप लोग को किसी टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन हो रहा कि नहीं सर आप थोड़ा इस तरह से पढ़ाते तो हमको शायद ज्यादा बेहतर, जिस तरह के रेगुलेशन को मैंने तोड़ के समझाया, काफी लोगों ने मुझे सराहा। देखिए भाई मेरा फीस क्या है, आप लोग का कमेंट वही मेरा फीस है, ठीक है? तो जरा हमको भी कुछ आइडिया दीजिए कि नहीं भाई ऐसे नहीं, इसको कीजिए सर, इस तरह से कीजिए सर, ठीक है? वैसे भाइयों को लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। दूसरी बात कि जो भी नौकरी में भाई बंधु है और इस बार माइनिंग सेंटर से ओवर वन बनने की ख्वाहिश रखते हैं या ओवर वन से सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास बनने की ख्वाहिश रखते हैं, टाइम कम है, बाल बच्चे में उजरे हुए हैं, मैं बताता हूं ये रामबाण इलाज मैं बता रहा हूं, पतंजलि का टैबलेट है भैया, आप यहां पे कॉन्टेक्ट करो। और जो मैंने बताया कि जो मैंने नोट्स बनाया जिसका नाम रखा है डीजीएमएस एग्जाम ट्रैकर, मेरे लगता है 225-230 पेज का होगा, एक बार पढ़ के ट्राई करो या सैंपल मंगा के ट्राई करो, दिल खुश हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।